हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताऊंगा बजट फ्रेंडली कार फॉर मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली लोग के लिए सस्ते सुविस्ते कार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ले सकते हो अपने फैमिली पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए। आप लोग, मैं कुछ कुछ लाया हूँ लिस्ट कार के, तो मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको जो इसमें से पसंद है वो आप परचेस कर सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली लोग के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। तो मेरे जो पहले लिस्ट है, तो मैं आपको फ़ोन में चेक करके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि है 5-6-7। तो पहला जो कार है वो है रिनॉल्ट क्विड। ठीक है, तो रिनॉल्ट क्विड जो कार है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सूटेबल कार है, पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए आप इसको ले सकते हो। ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, मिड रेंज मिड सीगमेंट का गाड़ी है, आप लोग ले सकते हो। मैं इसका कुछ स्पेसिफिकेशन अपने स्क्रीन पर लगाऊंगा, क्योंकि मैं जितना कार बताऊंगा सबका तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा स्पेसिफिकेशन, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना यार, और लास्ट तक देखना। ठीक है, क्योंकि आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग कार के बारे में आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा बता ही देता हूं। अब जैसे कि अगर आप लोगे रिनॉल्ट क्विड, तो इसमें 5 गियर तक आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब सेकेंड जो कार है वो बहुत अच्छा है और बहुत स्टाइलिश लुकिंग है, और वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, वो है मारुति सुजुकी वैगन आर। तो वैगन आर आप ले सकते हो, मारुति सुजुकी का है, तो ये भी बढ़िया कार है, मिड सेगमेंट में कार है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बढ़िया है, ले सकते हो आप लोग, मिड रेंज का गाड़ी है। ठीक है, आपको नज़दीकी होंडा शोरूम अरीना वगैरह में जाके आप ले सकते हो। ठीक है, थर्ड में आता है ह्यूंडाई का सेंट्रो। सेंट्रो भी बढ़िया कार है, बेहतरीन कार है, आप लोग ले सकते हो फैमिली पर्पस के लिए। ठीक है, थर्ड नंबर। अब मैंने फोर्थ पे जिसको रखा है वो कार है आपका मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस भी थोड़ा पुराना मॉडल है, लेकिन पहले का है निकला हुआ कार, लेकिन आप उसको ले सकते हो, अच्छा कार है। जो मैं फिफ्थ कार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं सारा का स्क्रीनशॉट आपको लगाते जाऊँगा। ठीक है, तो आप देख लो। अब जो फिफ्थ कार है वो है ह्यूंडई ग्रैंड i10। ठीक है ना, नियोज। तो मैं इस कार का फोटो आपको दिखा रहा हूँ, तो ये कार है, आप ये कार भी ले सकते हो, बजट फ्रेंडली कार है। ठीक है, अब सिक्स्थ कार। तो सिक्स्थ कार है मारुति सुजुकी बलेनो। ये भी मेरा फेवरेट कार है भाई, क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पावर वाली गाड़ी है और लाइट वेट गाड़ी है। ठीक है, और मिडिल क्लास के लिए ठीक है, और अप्रोक्स आपको 7 से 8 लाख 9 लाख तक का में ये आपको मिलेगा, तो ये भी बढ़िया है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट कार कैसी दिखती है, और साथ में इसका स्पेसिफिकेशन का भी स्क्रीनशॉट आपको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके देख लो। तो ये 6 कार थी दोस्तों, तो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। तो मेरी जो पहली कार थी वो थी रिनॉल्ट क्विड, दूसरी जो कार है वो है मारुति सुजुकी वैगन आर, तीसरी जो कार है वो है ह्यूंडई सेंट्रो, चौथी जो कार है वो मारुति सुजुकी इग्निस, और जो फिफ्थ कार है वो है ह्यूंडई ग्रैंड i10 नियोस, और जो आपकी सिक्स्थ कार है वो है मारुति सुजुकी बलेनो। तो ये सब कार है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे से कनेक्ट रहना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे तो हम हैं ही आपके साथ। कमेंट करना, कोई डाउट है तो रिप्लाई दूंगा मैं, कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।